हेलो राम राम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो गाइज, आज की वीडियो है डी एरनबर्ग क्यूब का सेकंड पार्ट, द फेमस आर्ट गैलरी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उन्होंने एंट्री होके जो नीचे से जो अपनों ने टोकन लिया था, वो अपनों ने यहाँ पे सबमिट करा दिया है। काफी अच्छे अच्छे थॉट लिखे हुए हैं हर जगह इसमें। तो ये एलईडीज के अंदर भी बताया हुआ है अलग अलग मशहूर लोगों के बारे में, अपने तो क्या ही जानते हैं ना। और ये यहाँ से पेंटिंग शुरू होती है इनके। पता नहीं ये पेंटिंग क्या दर्शाती है, इतनी नॉलेज तो नहीं है मुझे। बचपन में मैं करता था थोड़ी बहुत आर्ट वगैरह, बट वो तो जो नॉर्मल अपने कोई गांधी की बना ली, किसी की बना ली। अगर मैं कंटिन्यू रखता अपने उसको तो शायद आज हमारी भी बनी होती है। ये आराम से आप इनको पोज करके पढ़ लेना। ये हाथी के ऊपर इन्होंने रखा हुआ जैसे। बार का व्यू भी बहुत अच्छा है इसका, जो आपने मेरे पहले वाली वीडियो में देख लिया होगा। इस क्यूब का जो मैंने पूरा वो करवाया था, आपको टूर करवाया था, इसके मैंने अलग से इसलिए निकाली है वीडियो ताकि अपने पूरा ब्रीफली देख सके। ये घोड़ा है और इस पे ये क्या है, घड़ी टाइप सा। ये तो कुर्सियां काफी अच्छी लग रही है। ये तो पेंटिंग्स है। जैसे इसका प्राइस देखो क्या, 1390 प्लस GST। मामा मटेरा थ्री टाइप है। नहीं, पेपर भी बहुत महंगी महंगी है ये तो। ये वाली सबसे महंगी लग रही है मेरे को लगता है। आप मेरे को कमेंट में जरूर बताना कि इन पेंटिंग्स कितने प्राइस बनते भी हैं, नहीं बनते हैं। ये काफी शानदार है। ये क्या तीर को अपने मुंह में ले रही है क्या? ये किसे बुला रही है? ये टी शर्ट वही नहीं, ये बंदा मेरे को वही नहीं लग रहा। वाला चाओ चाओ चाओ। ये काफी अच्छी जगह मतलब इन्होंने बनाया है।
ये कानून टाइप नहीं लग रहा है कि अपना कानून अंधा है. जीसस जस्टिस. ये सारी सामग्री है, पता नहीं क्या चीज़ है. इनके बनाया, इनके बनाने वाले कितनी बड़ी बड़ी वाइन की बोतलें. वन टाइम वॉच है, आपको एक बार जरूर विजिट करना चाहिए यहाँ पे. भैया बैठने की जगह बहुत अच्छी बना रखी है इन्होंने. अपनों को वजह है कि इस गैलरी की जैसे इतनी नॉलेज तो नहीं है एग्जीबिशन की, बट ये है कि आपको एक बार ये क्यूब देखना जरूर आना चाहिए और ये आर्ट वगैरह भी इनकी देखनी चाहिए. काफ़ी अच्छी चीज़ें बना रखी है. तो भाई ये वाला ब्लॉग अपने यहीं एंड करते हैं. तो मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में गाइस, कुछ नया लेकर.